नमस्कार दोस्तों, जोहार एग्जाम में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग कल प्रैक्टिस सेट 11 का कंप्लीट कर चुके थे, तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। 12 का पार्ट 1 होगा, जो हम लोग 1 से 50 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 12। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं। तो एक ये वीडियो, ये हिंदी प्रैक्टिस सेट लेडीज सुपरवाइजर के लिए एक महत्वपूर्ण रामबाण की तरह साबित होगा, ठीक ना? तो आप लोग ये वीडियो को निरंतर देखते रहिए और प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन को करते रहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का निर्माण, शब्द का विशेष बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? द्विगु कहते हैं, द्वंद्व कहते हैं, बहुव्रीहि कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। तो कौन सा समास कहते हैं? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुव्रीहि समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं? बहुव्रीहि। नेक्स्ट, कृष्ण और सुदामा दुर्भाई थे रेखांकित में समास है। कौन सा समास है? कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे। तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास? तो कौन सा समास होगा दोस्तों? तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन में है, सबे दिन होत ना एक समन सामना, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो क्या है? समय परिवर्तनशील है, समय अपरिवर्तनशील है, समय बेकार है, समय पर ना पहुंच चाना श्रेय कर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सबे दिन ना दिन होत ना एक सामाना। तो क्या हो जाएगा इस लोकोक्ति का? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, समय परिवर्तनशील। नेक्स्ट, कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो काठ उल्लू होना, अकल का दुश्मन होना, आस्तीन का सांप होना, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही अर्थ दोस्तों? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा आस्तीन का सांप होना, कपटी मित्र मुहावरे का सही अर्थ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में उस विकल्प का चयन कीजिए जो समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। कौन सा है? एक समूहवाचक है, तो भीड़ है, मीठा है, दूध है या पर्वत है? तो कौन सा है एक समूहवाचक संज्ञा? तो भीड़ है, जो भीड़ है एक समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि भीड़ में बहुत सारा भीड़ आदमी खड़ा रहता है, जैसे बैल बकरी आदमियों का या बहुत सारा चीज़ों का। तो ये कौन सा होगा? भीड़ एक समूहवाचक होगा। नेक्स्ट, पशु चर है रेखांकित पद है, क्या है? पशु चर है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा? तो क्या हो जाएगा इसका दोस्तों राइट आंसर? तो कौन सा संज्ञा है? ये जातिवाचक संज्ञा होगा। नेक्स्ट, वह स्वतः ही जान जाएगा मैं वहां सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम? तो कौन सा सर्वनाम होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, मैं यहाँ यह काम अपने आप ही कर लूँगा, तो यह कौन सा होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट, को के लिए विभक्ति या परसर्गों का प्रयोग किस कारण कारक से होता है? संप्रदान कारक, कर्म कारक, करण कारक, संबंध कारक? तो कौन सा होगा? को के लिए विभक्ति, तो कौन सा कारक होगा? तो संप्रदान कारक होगा। नेक्स्ट, कारक के भेद कितने हैं? 5 है, 6 है, 7 है, 8 है? तो कारक के कितने भेद हैं दोस्तों? तो 8 भेद हैं। नेक्स्ट, मीठा अमृत में मीठा विशेषण किस कोटि का है? परिणामवाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक, संख्यावाचक? तो मीठा अमृत में मीठा विशेषण किस वाचक किस कोटि का है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुणवाचक। क्या हो जाएगा? गुणवाचक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष है? आसीन, अग्निक, मधुर, कर्म? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अग्नि एक विशेष शब्द है। नेक्स्ट,
राम भोजन करके सो गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया निहित है? नाम बोधक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया, सहायक क्रिया, योगी क्रिया। तो इसमें कौन सा क्रिया होगा इस वाक्य में? तो दोस्तों राम भोजन करके सो गया, तो इस वाक्य क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? रस्सी जल गई, सीमा बढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, बच्चा सो गया। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें कौन सा संयुक्त क्रिया का उदाहरण है? तो रस्सी जल गई, सीमा बढ़ गई, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, बच्चों सो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, ये हो जाएगा एक संयुक्त क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? कौन सा है? नहीं है हिंदी है, गुजराती है, मराठी है, मलयालम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कौन भारतीय परिवार के नहीं है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मलयालम नहीं है, जबकि हिंदी, गुजराती, मराठी ये तीनों है। नेक्स्ट, भाषा संबंधित भूल को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? द्रोण या त्रुटि या पाप या अपराध। तो क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहता है? त्रुटि कहते हैं। नेक्स्ट, राजभाषा विभाग की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1970 में, 1975 में, 1980 में, 1985 में। तो राजभाषा के जन्म कब हुआ, विभाग का कब स्थापना हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी कब हुआ था, 1975 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, खिड़की किस प्रकार का शब्द है? तो ये क्या है? विदेशज है, वर्ण संस्कार है, देशज है, तद्भाव है। तो क्या है खिड़की किस प्रकार का शब्द है? तो ये है ऑप्शन नंबर क्या होगा, देशज शब्द है। क्या है ये? देशज शब्द है। नेक्स्ट, भाषा का संबंध किसे माना जाता है? किससे माना जाता है? भाव से, विचार से, एवं इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भाषा का संबंध किसे माना जाता? भाव होना चाहिए और विचार होना चाहिए भाषा में। नेक्स्ट, छपा खाना का शब्द क्या है? एक द्विज शब्द है, देशज है, विदेशज है या तद्भव है। तो कैसा शब्द है ये? तो ये है द्विज शब्द है। नेक्स्ट, किसी शब्द से पहले सीमित अर्थ और बाद में उसका अर्थ व्यापक हो जाता तो उसे क्या कहते हैं? अर्थ संकोच, अर्थ विस्तार, अर्थादेश, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सभी हो जाएगा, अर्थ संकोच भी, अर्थ विस्तार भी, अर्थ अर्थादेश भी हो जाएगा। किसी शब्द से पहले निहित अर्थ और बाद में उसका अर्थ व्यापक हो जाता तो उसे क्या कहते हैं? ये तीनों कहते हैं। नेक्स्ट, काव्य लक्षण से क्या अभिप्राय है? तो क्या अभिप्राय है? काव्य की परिभाषा, काव्य की उद्देश्य, काव्य का कारण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काव्य की परिभाषा। नेक्स्ट, साहित्य को मिथ्या अनुकृत मानता है, कौन मानता है? वर्ल्ड वर्थ, ड्राइवन, प्लेटो, अरस्तु। तो कौन मानता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, प्लेटो ने मानता है साहित्य को मिथ्या अनुकृत मानता है। नेक्स्ट, जुगुत्सा कौन से रस की अस्थाई भाव है? विस्तव, करुण, अद्भुत, शांत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, किस आलोचक के काव्यलोचन सिद्धांत अंग्रेजी स्वच्छतावाद का घोषणा पर समझे जाते हैं? तो प्लेटो, वर्ल्ड वर्थ, अरस्तु, कार्लिज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? तो बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर आंसर। नेक्स्ट, कार्यालय आदेश सदैव प्रेषित होता है, व्यक्तिगत रूप से वरिष्ठ के कनिष्ठ को, कनिष्ठ से कनिष्ठ को, वरिष्ठ से कनिष्ठ को, या दोनों ओर से। तो क्या हो जाएगा इसका दोस्तों राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, बायोग्राफर
हिंदी में यह पारिभाषिक शब्द प्रचलित है? क्या है? उपन्यासकार है, जीवनीकार है, कहानीकार है, आत्मकथाकार है। तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जीवनीकार। नेक्स्ट, कितना अक्षरों के समूह को गण कहा जाता है? तो कितना अक्षरों के गण कहा जाता है? 4, 7, 3, 6। तो कितना अक्षरों को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3। नेक्स्ट, विद्यापति के रचनाओं का उचित चयन करें। कौन सा है उचित? पदावली है विद्यापति की रचना, कृति लता है, कृति कृपि लता लता का है, उपरोक्त सभी। तो क्या है विद्यापति की रचना? तो ये सभी तीनों है। नेक्स्ट, संतो देखत जग बोराना पद में कवि का स्वर कैसा है? शांति है, प्रेम है, प्रेम का है, विद्रोह का है, ये सभी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये विद्रोह का है। नेक्स्ट, योग का क्या तात्पर्य? मन को एकाग्र करना, बीमारी दूर करना, मन को स्वस्थ करना, उपरोक्त सभी। तो क्या है दोस्तों योग का क्या अर्थ है? तो क्या कार्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। मतलब योग का क्या कार्य? योग करिएगा तो मन एकाग्र रहेगा, बीमारी दूर करना होता है, मन स्वस्थ रहता है, बहुत तरह का होता है योग करने से। नेक्स्ट, सूरदास के उपव्यास देव कौन थे? श्री राम, श्री कृष्ण, विष्णु, निर्गुण ईश्वर। तो कौन थे सूरदास को किसका उपासन करते थे सूरदास जी? तो किसके कहते थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर श्री कृष्ण के कहते थे। नेक्स्ट, बिहारी का स्वभाव कैसे थे? कैसे थे? रास रचैया जैसा, विनोद व्यंग प्रिय जैसा, व्यंग प्रिय कठोर हृदय। तो कैसा था बिहारी का स्वभाव? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, रास रचैया जैसा बिहारी का स्वभाव था। नेक्स्ट, गोपियों क्या नहीं संभाल पा रही थी? तो क्या नहीं संभाल पा रही? कृष्ण के मुख की मुस्कान, अपना मन, कृष्ण की गवे या कृष्ण के भेड़। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? तो गोपियों क्या नहीं संभाल पा जाते हैं? तो कृष्ण भगवान के। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कृष्ण भगवान के मुख की मुस्कान नहीं संभाल पा रही थी, इतना वो मुस्कान देते थे कृष्ण भगवान। शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? तो भानु प्रताप, यज्ञसेन, साहूजी, रुद्र प्रताप। तो क्या नाम था शिवाजी के पुत्र का नाम? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, साहूजी। नेक्स्ट, विद्यापति के पिता के राजघराने के पंडित थे? वैशाली, पंचगढ़िया, सीतामाटी, दरभंगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या? दरभंगा के थे, राजघराना के विद्यापति के पिता। नेक्स्ट, माधव मैं ऐसा अपराधी, तेरी भक्ति नहीं होती नहीं साधी, किसकी पंक्ति है? तो कविदास की है, रेदास की है, सूरदास की है, या दादू की है? तो ये पंक्ति किसकी है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये कविदास की पंक्ति है। नेक्स्ट, अष्ट छाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? तो कौन थे? कुंभन दास, सूरदास, नंददास, दामोदर दास। तो कौन थे अष्ट छाप के सर्वश्रेष्ठ कवि? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सूरदास थे। नेक्स्ट, तुलसीदास के मानस की रचना किस भाषा में की गई है? ब्रज भाषा में, भोजपुरी भाषा में, खड़ी बोली हिंदी भाषा में, अवधी भाषा में। तो रामचरितमानस मानस की किस भाषा में रचना की गई है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अवधी भाषा में की गई है। नेक्स्ट, बिहारी निम्नलिखित में किस भाषा श्रेणी में कवियों में आते हैं? रीति सिद्ध है, रीति मुक्त है, रीति बंद है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रीति सिद्ध है। नेक्स्ट, कवि रसखान के सवैये में मात्र 11 छंदों की रचना है, उस रचना में किनके संवाद है? तो राधा कृष्ण के संवाद है, पार्वती और शिव के संवाद है, राम सीता के संवाद है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राधा कृष्ण के
संवाद है। नेक्स्ट, भूषण के प्रसिद्ध कवि के रूप में है विमसौ रस के, वीर रस की कवि, सिंगारिक कवि, करुण रस की कवि। तो कैसा कवि है? तो ये भूषण सिंह। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, वीर रस के जैसा कवि थे। नेक्स्ट, भारतेंदु जी के पिता का नाम क्या था? दिनेश चंद्र, हिमेश चंद्र, गोपाल चंद्र, भोपाल चंद्र। तो क्या नाम था भारतेंदु जी के पिता का नाम? तो ये क्या था? गोपाल चंद्र नाम था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गोपाल चंद्र। नेक्स्ट, भारतेंदु जी कितने भाषाओं को जानकार हो चुके थे? 11, 12, 13, 14। तो कितने भाषा के जानकार हो चुके थे भारतेंदु जी? तो ये 11 भाषा के जानकार हो गए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 11 भाषा। नेक्स्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र पर जयशंकर प्रसाद जी के अपेक्षा अधिक है, असतर्क, होशियार, सतर्क, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सतर्क हो जाएगा। नेक्स्ट, अबला जीवन हाय तुम्हारी यह कहानी आंचल में है, दूध और आँखों में पानी है, यह किनकी पंक्तियां है? तो सियाराम शरण गुप्त की है, मैथिली शरण गुप्त की है, सुमित्रानंद पंत की है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त की है। नेक्स्ट, अनामिका नाम से निराला के कितने काव्य प्रकाशित हुए थे? 2, 4, 5, 3। तो कितने काव्य प्रकाशित हुए थे अनामिका के नाम से निराला जी? तो कितने हुए थे? तो 2 हुए थे। नेक्स्ट, दिनकर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? हिमालय, संस्कृत के 4 अध्याय, गुरु, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। तो कितने अकादमी पुरस्कार दिनकर जी को दिया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संस्कृत के 4 अध्यायों में से दिए गए थे। नेक्स्ट, सचिनानंद, हीरानंद, वात्सल्यानंद यज्ञ जी का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 7 मार्च 1911 में, 7 अप्रैल 1911 में, 7 मई 1911, 7 जून 1911। तो कब जन्म हुआ था इनका? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा इसका? 7 मार्च 1911 ईस्वी को। नेक्स्ट, तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? निराला, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो प्रकृति के सुकुमार कवि कौन कहलाते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन होगा? कौन है? सुमित्रानंद पंत। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, आज हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। फिर कल हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कल। तो ठीक है, आप ऑल द बेस्ट, आप लोग अपना तैयारी अच्छे से करते रहिए। थैंक यू।